हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। हमने इंटीजर्स के बारे में डिटेल में जाना था कि ज़ीरो इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। हाँ, हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के और उनको सॉल्व किया था यूजिंग नंबर लाइन। बट वी टॉक्ड अबाउट जस्ट टू इंटीजर्स, चाहे ऐड करना हो चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो। लेट अस मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। लेट अस से यू आर इन श्रीनगर और आप मंडे को वहाँ टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हो। इट इज़ फाउंड टू बी -5 डिग्री सेल्सियस। इट टेंड्स टू फॉल ऑन ट्यूजडे बाय 2 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद वापस से वेडनेसडे को वो इंक्रीज हो जाता है बाय 4 डिग्री सेल्सियस। नाउ माई क्वेश्चन इज, वेडनेसडे को फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? इसके लिए आपको मल्टीपल इंटीजर्स को ऐड करना आना चाहिए। सो लेट्स जूम इनटू द टॉपिक ऑफ मल्टीपल इंटीजर्स एडिशन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टॉपिक फॉर टुडे इज हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट मल्टीपल इंटीजर्स। इनर प्रॉब्लम आपको कुछ इस तरीके की सिचुएशन दे रखी थी। आपको वेडनेसडे को पता करना था कि क्या टेम्परेचर होगा। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर एक्चुअल में आप क्या करोगे, पहले तो आप -5 डिग्री सेल्सियस को एज इट इज लिख दोगे बिकॉज वो मंडे का टेम्परेचर था। उसके बाद फॉल आया था 2 डिग्री सेल्सियस का, तो हमने क्या किया, हमने इस फॉल की वजह से सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया, ठीक है, क्योंकि फॉल आया टेम्परेचर में। फिर हमने यहाँ पर 2 लिख दिया क्योंकि हमने एक्चुअल में इसको डिक्रीज करना है। अकेला जो इतना टेम्परेचर है ना, ये हमें बताता है कि ट्यूजडे का टेम्परेचर कितना है, क्योंकि ट्यूजडे तक हमने एक्चुअल में 2 डिग्री सेल्सियस का फॉल देख लिया है। बट हमें चाहिए था वेनसडे का टेम्परेचर, और वेनसडे के टेम्परेचर के लिए हम यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस का राइज देख रहे हैं, तो हम ऐड करेंगे यहाँ पर +4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ब्रैकेट में 4, क्लियर। अब एक्चुअल में यहाँ राइज था तो मैंने यहाँ ऐड किया। सो लेटेस्ट नाउ कैरी फॉरवर्ड द कैलकुलेशंस। पहले मैं -5 लिखूँगा, उसके बाद इस नेगेटिव को अंदर एब्जॉर्ब करवाऊँगा, तो एडिशन का साइन और नेगेटिव अंदर एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद प्लस, और प्लस के बाद मैं लिख दूंगा 4। अब इनको कैसे ऐड करते हैं, पहले मैं नेगेटिव नेगेटिव को इकट्ठे लिख देता हूँ, डेट इज़ -5 और -2 एक ही डी में हैं, तो -7 हो गया इनका रिजल्ट, और इसमें ऐड करूँगा +4। उसके बाद डिफरेंट टीम्स हैं, तो पहले आप साइन देखोगे, साइन आएगा नेगेटिव और आंसर आएगा -3। तो एक बार फिर एनालाइज करते हैं कि यहाँ पर हमने कैसे कैरी फॉरवर्ड करी है एडिशन। सबसे पहले देखो -5 और -2 है। अब -5 है और -2 है, दोनों नेगेटिव्स हैं, तो अब मैं इनके सिर्फ डिजिट्स लिखूंगा, मतलब 5 और 2, एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं हम इनको। अब ये जो डिजिट्स लिखे हैं ना, इनको मैं ऐड करता हूँ, डैट इज 7। अब साइन डिसाइड करते हैं, दोनों नेगेटिव्स से तो -7 आएगा। उसके बाद +4 कॉपी कर दिया। अब इनको कैसे ऐड करते हैं वो देख लेते हैं। -3 कैसे आया, देखो पहले मैं यहाँ पर सिर्फ डिजिट्स लिख रहा हूँ, डैट इज 7 और 4। ध्यान देना, दोनों डिफरेंट साइन वाले हैं, तो इसी वजह से हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 और 4 को जो हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, विल गेट 3, ठीक है, तो आंसर आया -3। अब आपको कन्फ्यूजन होगी कि ये आंसर नेगेटिव में क्यों आया। अब इसके रूल्स डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज यहीं पर इसका आंसर छुपा है। तो क्या केसेस बनते हैं अगर दो इंटीजर्स को ऐड करना है। पहला केस, दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, बीच में मैंने एडिशन का साइन लगाया, तो इसके लिए भी हम रूल डिस्कस करेंगे जब दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं। सेकंड केस क्या बनता है, देखो जो पहला इंटीजर है वो मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है, और जो दूसरा इंटीजर है वो मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, और बीच में एज इट इज़ मैं प्लस का साइन लगा रहा हूँ, क्लियर। नाउ कमिंग ओवर टू द थर्ड केस, मैं पहला नेगेटिव ले रहा हूँ और दूसरा भी नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है, और बीच में आपको पता ही है एज इट इज़ मैं प्लस का साइन लगा रहा हूँ। तो अब देखते हैं इन तीनों केसेस में हम कैसे अप्रोच करते हैं। मैं तीनों केसेस का एक एक एग्जांपल लूँगा और फिर डिस्कस करेंगे कि उस एग्जांपल में हम किस तरीके से एडिशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया दोनों पॉजिटिव का, +3 और +5। अब यहाँ पर +3 और +5 में आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि दोनों ही साइन पॉजिटिव हैं, और डिजिट आएगा 3 और 5, अगर ऐड करते हो तो वी गेट 8, ठीक है, बिकॉज दोनों एक ही टीम के हैं, तो आपके पास दोनों की स्ट्रेंथ ऐड अप हो जाएगी, तो 3 + 5 गिव्स मी 8, पॉजिटिव 8। अभी जो रिजल्ट आया इसमें ये साइन पॉजिटिव है और ये डिजिट 8 है, क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है,
तो इसमें मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ अपने आप से, लेट मी टेक इट एज पॉजिटिव 3 और बीच में एडिशन का साइन और उसके बाद -2। यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव में से जो साइन आएगा वो आएगा पॉजिटिव का, क्लियर है। अब पॉजिटिव का साइन क्यों आएगा, क्योंकि ग्रेटर वाला है आपके पास, जो ग्रेटर वाला डिजिट है वो होल्ड करता है पॉजिटिव का साइन, डैट मीन्स आंसर तो हमारा पॉजिटिव आने वाला है। बट अब आते हैं डिजिट के बाद, देखो 3 और 2 अगर मैं लिखता हूँ ना तो इनका रिजल्ट डिफरेंस आता है 1, ठीक है। अब मैंने डिफरेंस क्यों किया, ये दोनों एक्चुअल में दो डिफरेंट टीम्स की तरह हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। हम हमेशा देखेंगे कि कौन सी टीम कितनी ज़्यादा ग्रेटर है, तो 3 और 2 में से अगर मैं देखूंगा पॉजिटिव वाली टीम ग्रेटर है, वो भी 1 से, क्लियर। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पर दोनों नेगेटिव ले रहा हूँ, दोनों नेगेटिव के लिए मैंने एग्जांपल लिए -3 और -4। अब इनको ऐड करते हैं, देखो सबसे पहले आंसर तो नेगेटिव ही आने वाला है क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है। उसके बाद 3 और 4 टीम एक में है तो ऑफकोर्स 3 और 4 टीम अप हो जाएंगे और मेरे पास आंसर आएगा 7, क्लियर। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन सेम टीम्स थी, तो सेम टीम्स थी तो मैंने यहाँ पर दोनों को एक्चुअल में ऐड अप कर दिया और मेरा रिजल्ट आया -7। नेक्स्ट वी स्विच ओवर टू प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं कुछ एडिशन की। पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ। वी राइट a+b इज इक्वल टू b+a। कॉम्यूटेटिव कम्स फ्रॉम वर्ड कॉम्यूट, जिसका मतलब होता है टू मूव अराउंड। तो यहाँ पर जो इंटीजर्स है ना, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 3 और -2, डैट कैन मूव अराउंड, वो एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी प्लेस, डैट इज -2 + 3, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर इंटीजर्स ने अपनी जगह एक्सचेंज कर ली है, दिस इज नोन एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दोनों का रिजल्ट आने वाला +1 ही है, ठीक है, चाहे आप 3 में -2 ऐड कर लो या फिर -2 में 3 ऐड कर लो, क्लियर। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब लेट अस सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्या। हेयर वी राइट 3 इंटीजर्स बट इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। आप ऑब्जर्व करना, पहले यहाँ ब्रैकेट है और फिर जो मेरे पास सेकेंड राइट हैंड साइड है वहाँ यहाँ ब्रैकेट है, तो है वही 3 इंटीजर्स। 3 इंटीजर्स कौन से, a+b+c, ठीक है। बट लिखा इनको दो डिफरेंट फॉर्म्स में हुआ है, पहले एसोसिएट करा हुआ है a और b को, है ना, फिर इसमें c ऐड करा हुआ है और जो दूसरी साइड है उसमें a+b+c लिखा हुआ है और b और c को पहले एसोसिएट किया हुआ है, इसको आप बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसका मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ दिखाने के लिए कि ये ट्रू है एडिशन में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं -2 लिख रहा हूँ और फिर लिख रहा हूँ मैं +3, और जो हम तीसरा इंटीजर ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम +4, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम राइट हैंड साइड में सेम एग्जांपल्स को कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इस बार मैं ब्रैकेट लगाऊंगा 3 और 4 के बीच में, तो चेक करना आपके पास आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम -2 + 3 लिख रहे हैं पॉजिटिव ऑफ 1, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके आता है +1, ठीक है। अब यहाँ पर मैं +4 कर रहा हूँ तो वी गेट एज +5। अब मैं राइट साइड पर चेक करता हूँ, यहाँ पर -2 तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ और 3 और 4 को ऐड करके आएगा आपके पास 7, तो इधर अगर मैं ऐड करता हूँ वी गेट +5, क्लियर। तो आंसर तो सेम आया दोनों साइड, डैट मीन चाहे ए और बी एसोसिएट करके फिर उसमें सी ऐड करो या फिर बी और सी पहले एसोसिएट कर लो और उसमें ए ऐड करो, आंसर सेम आने वाला है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने हैं इसी के ऊपर, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द कंटेंट या आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स टैली करने हो या इन पे डाउट्स लेने हो तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass.